हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करते हैं तो उसमें आपको एक एरर दिखाई देता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम ऐसा ही एरर शो करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेम्बर नेम डू ओब्लिक डज नॉट मैच विद द अवेलेबल डाटा इन यूनिफाइल पोर्टल। मतलब जो आपका नाम है और जो ईपीएफओ की वेबसाइट है यूनिफाइड पोर्टल, उससे आपका डाटा मैच नहीं होता है। एक तो इस तरीके का एरर आता है और दूसरा आता है मेंबर नेम और डेट ऑफ बर्थ मिसमैच। इस तरीके के एरर शो करने लग जाते हैं जब आप अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करते हैं। तो अब सही नाम और डेट ऑफ बर्थ कैसे पता करें, वो भी बिना कंपनी के, खुद अपने मोबाइल से, जिससे आपका यूएन नंबर एक्टिवेट हो जाए। फ्रेंड बहुत से मेंबरों को पता नहीं होता है कि हमारी पीएफ में कौन सी डिटेल गई है। वो यूएन नंबर एक्टिवेट करने के लिए आधार कार्ड में जो नाम और डेट ऑफ बर्थ होता है वो वही टाइप कर देते हैं, जिस कारण उनके सामने एरर शो करने लग जाता है। तो फ्रेंड अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसलिए फ्रेंड वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए आगे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। और फ्रेंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन, जिससे मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की नई नई वीडियो और अपडेट लाता रहूं और उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड अब मैं आपको बताता हूँ कि यूएन नंबर एक्टिवेट करने के लिए सही नाम और डेट ऑफ बर्थ कैसे पता करें। फ्रेंड सबसे पहले हम गूगल पर EPFO IP पोर्टल टाइप करके यहाँ नीचे सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने EPFO IP पोर्टल वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको चार पांच ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर पहले नंबर पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर COC, इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉई, यहाँ पर हमें अपनी डिटेल्स टाइप करनी होती है। तो यहाँ पर हम यूएन नंबर के आगे बॉक्स में अपना यूएन नंबर टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे कैप्चा कोड टाइप कर देंगे, फिर यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट मेंबर आईडी का, इसके आगे एरो पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको कुछ सेकेंड का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने आपकी जितनी भी कंपनी होएगी जिसमें आप काम कर चुके हैं वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। आपको जिस कंपनी का भी अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ पता करना है तो आपको उसी कंपनी की मेंबर आईडी को सिलेक्ट करना है। इस मेंबर ने सिर्फ एक ही कंपनी में काम किया है तो यहाँ पर हम मेंबर आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए जो भी आपकी पीएफ में डिटेल्स है वो सारी आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। फ्रेंड यहाँ पर आप एम्प्लॉय नेम के नीचे अपना नाम भी देख सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ के आगे अपनी डेट ऑफ बर्थ भी देख सकते हैं। फ्रेंड ये नाम और डेट ऑफ बर्थ आपका वही है जब फर्स्ट टाइम आपका पीएफ में रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो फ्रेंड ये नाम और डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान से देखना है, इसको कहीं लिख लेना, नहीं तो फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लेना, ये आगे आपके काम आएगा। फ्रेंड अब आप अपना जैसे ही यूएन नंबर एक्टिवेट करेंगे तो आपको यही नाम और डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है, और दूसरा जो मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर टाइप करना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद जैसे ही आप ये वाली डिटेल्स टाइप करेंगे तो आपको ये नंबर 101% एक्टिवेट हो जाएगा और कोई भी एरर नहीं आएगा। तो फ्रेंड आई होप कि आप सारी जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड ऐसे आप अपनी डिटेल्स पता कर सकते हैं, वो भी सिंपल तरीके से। और फ्रेंड आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।